हेलो नमस्ते वनकम केम छो सस्त्रेकाल एंड कस काय पब्लिक। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। हमारे लिए तो वही दिन है और वही जर्नी है, लेकिन आपके लिए एक नया एपिसोड है। तो स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और हम है महाड़ में, जहाँ पे अभी हम खाना खाने के लिए रुके, लेकिन खाना खाने के लिए हम कहाँ पे रुके वो लोकेशन आप देखो। यहाँ पे एक आप पूरी जो नदी है वो देख सकते हो, नदी के पीछे पहाड़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे हम बैठकर खाना खाने वाले हैं। सो जल्दी से खाना ख़त्म करते हैं और आज के एपिसोड की इंटरेस्टिंग शुरुआत करते हैं, जहाँ पे मैं हम आपको दिखाने वाले हैं एक ज़बरदस्त वाला वाटरफॉल, जिसका टीज़र तो आपने देख ही लिया होगा। लेकिन चलिए इस वाटरफॉल की अमेजिंग जर्नी में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मानगांव। सो महाड़ से मानगांव हमने नेशनल हाईवे 66 पकड़ के चला और अभी ये हम मानगांव का जो मार्केट है एरिया वहाँ पे है। यहाँ से आपको जाना है निज़ामपुर की तरफ। तो आप अगर मानगांव होते हुए जाते हो मुंबई से, तो आप निज़ामपुर की तरफ जा सकते हो इस वाटरफॉल को देखने के लिए। तो ये मानगांव जो है आप देख सकते हो। आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, क्या बोलते हो? बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम ऐसे गाड़ी में बैठे ना खाना खा के, फिर तो पता चल जाते कैसा भाव पूरा गाड़ी में है। तो थोड़ा गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी बारिश तो नहीं चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, बट ठीक है अभी जो है वो संभाल लेंगे हम, देख लेंगे हम। तो अभी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और बस भगवान थोड़े टाइम तक बारिश ना होने दे, तो जिसकी वजह से हम आपको खूबसूरत जो शॉट है वो दिखा सके। अभी जो अगर आप लोकेशन देखोगे तो और 18-19 मिनट का रास्ता है। वैसे तो 5-6 किलोमीटर का ही रास्ता बाकी है, लेकिन जो ये जो पूरा जो है रोड वो घाट सेक्शन का रोड है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जल्दी से पहुँचते हैं और आपको व्यू जबरदस्त वाला व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम बोरवड़ी करके जो गांव है वहां पे पहुंचे। तो निज़ामपुर से जब आप राइट लोगे तो आप बोरवड़ी पहुंचोगे। तो ये जो है वो बोरवड़ी गांव है और यहां पे आपको दो मिलेंगे। एक है रायगढ़ किला, रायगढ़ किला जाने के लिए यहां से जाने का है, और यहां से अब हमें जो जाना है कुंभे वाटरफॉल वो देखने के लिए हमें जाना है किले मानगढ़। तो हमें किले मानगढ़ से होते हुए हमें कुंभे वाटरफॉल की ओर जाना है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कुंभे वाटरफॉल के बिल्कुल करीब, लेकिन उसके पहले आपको कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें दिखानी थी। तो आपने व्यू तो देख ही लिया होगा, हम मतलब लाइक ऑलमोस्ट टॉप पे है। यहाँ से हम बहुत सारे माउंटेंस और क्लाउड्स जो है उसको हम देख सकते हैं। आपको सिनेमेटिक नज़ारा ड्रोन के थ्रू तो दिख ही रहा होगा, लेकिन यार आपको एक और सरप्राइज दिखाता हूँ। आप मेरे साथ आइए। हमने यहाँ पे स्पेशली रोक के रखा है, ये पूरा माउंटेन जो है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी एंड नहीं हो रहा है रोड का, रोड जो है वो कंटिन्यू हो रहा है और हम जो आपको दिखाना चाहते हैं वो है यहाँ पे। यहाँ पे आपको मिलेगी एक टनल,
ये टनल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो आपको गूसबम्स कराएगी और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करवाने में आपको यूनिक रहेगा। आप यहाँ से बेसिकली, यहाँ से अभी हम कार लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की लंबी टनल है जो डार्क है, और वहाँ पे जाके आपको उसका नज़ारा दिखाएंगे। लेकिन जस्ट बता दिया कि इस टनल के थ्रू हम जाएंगे और फिर आपको वाटरफॉल का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। तो आई एम तो वेरी मच एक्साइटेड यार, मतलब लाइक देखो ना, मेरे ऊपर ये पूरा माउंटेन है, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना, और मौसम अचानक से फुल गुलाबी मौसम हो गया है। तो बस थोड़ा मौसम का आनंद लेते हैं, थोड़ा बैठते हैं और फिर आपसे बात करते हैं टनल के थोड़ा पास जाके। तो अभी अभी हम पहुंच चुके हैं कुंभे वाटरफॉल। सो आप ये ज़बरदस्त वाली टनल जो है उसको देख सकते हो, और टनल के एग्जिट, मतलब टनल से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, तो उसके एग्जिट बाजू में आपको इस अमेजिंग से वाटरफॉल की जो झलक है वो देखने मिल जाएगी। सो यू कैन सी फ्रॉम वेयर द वाटर इज़ कमिंग, एंड अभी यहाँ से ही वाटरफॉल जो है वो शुरू होता है, और मतलब आप यहाँ का जो नज़ारा है वो देखो यार, कितना जस्ट अमेजिंग ब्यूटीफुल नज़ारा जो है वो हमें देख रहा है। Oh,
ये वाटरफॉल पे आप या तो सबसे पहले ओरिजिन पॉइंट पे पहुंच सकते हो जो टनल के तुरंत ही बाद आता है, जहां पे आपको ये वाटरफॉल जहां से जाता है वहां से आपको दिखेगा और पूरी वैली दिखेगी। दूसरा पॉइंट है कि जहां पे आप ये वाटरफॉल के बाजू का जो रोड है वहां से थोड़ा आगे जाके एक टेबल लैंड टाइप का एक रोड आता है, वहां पे आप जाओ और वहां पे जाके आप ये जो पूरा वाटरफॉल है उसका व्यू बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हो। और दूसरा, ये जो वाटरफॉल है वो सीजनल वाटरफॉल है, तो ट्राई कमिंग या तो तुरंत ही मानसून के बाद या तो मानसून में। तो अभी हम यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी है कुंभे गांव, आगे आपको पॉइंट मिल ही जाएगा, टर्निंग पे ही है। तो अभी यहाँ से अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे जहाँ से हमें पूरा जो व्यू है वो व्यू हमें देखने मिल जाएगा। थोड़ा बहुत छोटा सा छोटू सा ट्रैकिंग है, छोटू सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, एक छोटा सा टेबल लैंड टाइप जो है वो बना हुआ है, एकदम ध्यान से जाना पड़ेगा क्योंकि स्लोप है, ऐसा देख सकते हो आप, पूरा ऐसा टेबल लैंड टाइप बना हुआ है। यहाँ पे माउंटेन्स तो देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं, बट आपको मैं वाटरफॉल का जो व्यू है वो इन पर्सन आँखों से, ड्रोन की आंखों से नहीं दिखा रहे, अभी हम आपको अपनी आंखों से इसका जो व्यू है व्यू आपको दिखा देंगे। तो जबरदस्त वाला वाटरफॉल आपने देख लिया होगा। अभी अभी हम जाएंगे और आपको शॉट्स दिखाएंगे, थोड़े बहुत ड्रोन वाले शॉट्स। दोस्तों अभी घड़ी आ चुकी है टाटा बाबाए बोलने की, लेकिन उसके पहले हमारे जो दोस्त है उन लोगों को पूछ लेते हैं कि कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, ये जो वाटरफॉल्स हमने देखे, आई थिंक यू नो 3-4 वाटरफॉल हमने बड़े वाले वाटरफॉल्स देखे। तो रसिक तू बता पहले, सबसे पहले कैसा लगा? सबसे पहले तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, ऐसे वाटरफॉल्स शायद ही कहीं होंगे या हमने तो आज तक देखे नहीं थे, मैंने पर्सनली तो कभी देखे नहीं थे, तो बहुत ही एक नंबर एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना, झकास एकदम, वैसा था मेरे लिए पर्सनली, मुझे बहुत मज़ा आया। और अमरदीप? मेरे भी मतलब अमेजिंग, मैं ऐसा चौंक गया था वाटरफॉल देख के कि मतलब वंस इन अ लाइफ मोमेंट ही मेरे को भी, क्योंकि मैंने देखे थे पहले भी वाटरफॉल्स बट इतने खूबसूरत वाटरफॉल्स नहीं देखे। तो दोस्तों
हाँ, हम एक एपिसोड अलग से लाने वाले हैं, इसके बाद वाला लास्ट एपिसोड होगा जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन से एपिसोड, कौन से वाटरफॉल आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आपको वाटरफॉल देखने हैं तो आप कहाँ पे जा सकते हो और मुंबई पुणे से कितने नज़दीक है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत जाती है, बहुत इक्विपमेंट होते हैं जिसको हमें रिस्क पे रखना पड़ता है शूटिंग करने के टाइम पे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू गिव अ लाइक एंड मिलते हैं टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टाटा बाय बाय, सी या एंड हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड।